तो आज के इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं, सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। आज के इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं एनिमल मूवी का पोस्टर। यार क्या दूरदर्शन वाली फील आ रही है। जाहिर सी बात है इस वीडियो में भी हम पोस्टर का डिजाइन करने वाले हैं स्क्रीनशॉट्स का यूज करके जो ट्रेलर के अंदर दिखाए गए हैं उसी से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार यहाँ पर मैंने काफी सारे स्क्रीनशॉट को इकट्ठा करके ये पोस्टर को डिजाइन किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो यहाँ पर मैं कटिंग वटिंग सारी चीजें चालू कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लासो टूल का यूज करने वाला हूँ, पेन टूल का नहीं, क्योंकि रफली कट करना है, मेरे को इतना एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या किया है। जो मेन पोज है जिसमें हाथ में चाकू दिखाया हुआ है वो, और जो बचपनी की इमेज है जो इनोसेंट वाला वो फेस दिखाया हुआ है बचपन वाला, तो वो एक साथ मैंने यहाँ पर दिखाए हैं कि आपको पता चल जाएगा कि एक इनोसेंट भी था और मतलब वो कैसे खूंखार सा बन गया, मतलब बड़ा हो गया। तो वैसे सब कुछ दिखाने की कोशिश करी। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि कलर में ना रखी जाए, थोड़ी सी ब्लैक एंड व्हाइट टोन या फिर रेडिश में रखी जाए। अगर रेडिश रखते तो ज्यादा अच्छा लगे क्योंकि खून खराब और वायलेंस बहुत है। यहाँ पर कुछ एरिया को कट करने के बाद अब आ रही थी हाइलाइट्स वगैरह बनाने की सबकी बॉडी और सबके फेस के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कलर में रखने में मेरे को लग रहा था कि गड़बड़ हो जाएगी, तो यहाँ पर एक मोनोटोन रखते हैं या फिर कलर कर देते हैं तो रेड ही रखेंगे सिर्फ। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक क्रिएट किया है, पूरा ब्लैक नहीं है, बहुत डार्किश रेड था, उसके ऊपर ये ब्राइट रेड डाला है रेडियंट टाइप के अंदर, ऊपर भी रेड कलर रखा है। यहाँ पर ब्लेंड इफ की हेल्प से यहाँ पर मैंने जो क्रिएट किया हाईलाइट्स को सेपरेट किया है बॉडी से, ताकि रेड थोड़ी ही जगह पर इफेक्ट करे, व्हाइट वाला पार्ट थोड़ा व्हाइट ही रहे। तो यहाँ पर मैंने कुछ एरिया पर ब्राइट कलर करा है और कुछ जगह पर डार्क कलर, क्योंकि सेपरेट करना था ना टोन, थोड़ा सा डार्किश काइंड ऑफ पोस्टर बनाने वाला हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं शेडोज को बहुत ज्यादा डार्क बना रहा हूँ और व्हाइट को इतना ज्यादा ब्राइट नहीं बनाया। इसका भी कारण है क्योंकि इस पोस्टर का जो थीम मैंने डार्क और थोड़ा सा ब्लडी की तरफ रखा हुआ। तो यहाँ पर अब बारी थी बालों और थोड़े बहुत एजेस को थोड़ा सा ब्राइट टोन देने की, ताकि ओवरऑल फील इम्प्रूव हो जाए, ऐसा लगे पीछे से ब्राइट रेड लाइट आ रही है, नीचे से आ रही है। यहाँ पर हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं पास बिल्कुल हमारा पोस्टर कंप्लीट करने की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं फेस पे जो ब्राइट लाइट आ रही है, यानी जो हाइलाइट्स वगैरह, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहा हूँ ओवरऑल, ताकि कुछ कैरेक्टर जो छोटे हैं वो अच्छे से दिख जाए। आईज भी मैंने थोड़ी बहुत वाइट करी ताकि अच्छे से दिखे। आप ये बोल सकते हैं कि डॉज एंड बर्न वाला यहाँ पर काम कर रहा हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए, थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में कर रहा हूँ बस। तो हमारे पोस्टर के ऊपर पूरी तरह से लाल मिर्ची पोतने के बाद जो हमारा पोस्टर दिख रहा है फाइनल, वो कुछ ऐसा दिख रहा है। पापा, सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। आई होप गाइस ये वाला पोस्टर भी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी छोड़ देना। अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक है कोर्स का, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं कैसे फोटोशॉप सीखते हैं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरह की आपको वीडियो देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।